नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक किसान पिता को बेटी से छेड़छाड़ का विरोध और शिकायत करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने किसान पिता को गोलियों से छलनी कर दिया। आरोपी का नाम गौरव शर्मा बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला हाथरस के सासनी थाना क्षेत्र के नौजरपुर गाँव का है। मृतक की पहचान अमरीश शर्मा के तौर पर हुई है। खबर है कि 2.5 साल पहले अमरीश ने गौरव के खिलाफ बेटी से छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि एक महीने बाद ही गौरव जमानत पर बाहर आ गया और उसके बाद से ही ये विवाद चल रहा था। सोमवार को गांव में एक मंदिर के बाहर शाम 4:30 बजे के आसपास आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद गोली चलाई गई। गोली लगने के बाद अमरीश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार को मृतक की बेटी पुलिस स्टेशन के बाहर रोती और न्याय मांगती हुई दिखी थी। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। उसने कहा कि मुझे इंसाफ दो, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और अब मेरे पिता को गोली मार दी। वो हमारे गाँव आया था, उसके साथ 6-7 लोग थे। मेरे पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका नाम गौरव शर्मा है। गांव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और आप जाते थे, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो पैरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। छह सात लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ आलू की खुदाई चल रही थी, मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम जाना आया उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। इस मामले पर हाथरस के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोमवार को शाम आरोपी गौरव की पत्नी और मौसी गांव के एक मंदिर में पूजा करने आई थी, जहां मृतक की दोनों बेटियां भी मौजूद थीं। इसके बाद पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और मौके पर आरोपी गौरव व मृतक अमरीश भी पहुंच गए। विवाद बढ़ने के बाद गौरव ने फोन कर अपने कुछ साथियों को बुला लिया और अमरीश शर्मा को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी गौरव शर्मा के परिवार के एक सदस्य ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News हिंदी।